नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं बंदना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अवोकाडो टोस्ट सैंडविच बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इतना आसान सा ये हेल्दी सैंडविच होता है ना, आप देखोगे ना आपको बहुत पसंद आएगा और टेस्ट में सुपर टेस्टी होता है और सुपर हेल्दी है। अब ये जो ब्रेड होगा ना, हम उसको टोस्ट करके बनाएंगे और उसका सोचो आप कितना बढ़िया टेस्ट आने वाला है जब उसको हम टोस्ट करके बनाएंगे। आप वैसे बिना टोस्ट किए भी बना सकते हैं, वैसे भी बहुत टेस्टी लगता है। टोस्ट किए हुए का टेस्ट अलग और ना किए हुए का टेस्ट अलग आता है। तो ये रेसिपी आप देखेंगे ना तो आप ज़रूर बनाएंगे और इसको आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या इवनिंग के स्नैक में, आप जब भी आपको भूख लगे और कुछ हेल्दी खाना हो तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। बनाना बहुत ही आसान है। चलो हम शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पे मैंने एवोकाडो ले लिया है, इसको हमें इस तरह से काटना है, काट के ट्विस्ट करना है। इस तरह से हमने निकाल लिया। अब इसका हम स्किन इस तरह से पील करके निकाल लेंगे। इस थोड़ा इजी हो जाता है इस तरह से निकालना। इसको स्पून की सहायता से भी निकाल सकते हैं या तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। मुझे इस तरह से थोड़ा सा इजी लगता है, इसलिए मैं ये, इसका स्किन बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है, ऐसा अक्सर होता नहीं है जल्दी से। इस तरह से हमें निकाल लेना है एवोकाडो को। यहाँ पे स्किन निकाल लिया है, फोर्क की सहायता से इसको हमें बढ़िया एकदम मैश कर देना है। एकदम बढ़िया मैश कर लिया है। अब इसमें डालने के लिए सब्जी हमने क्या क्या लिया है, यहाँ पे एक टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लिया है कैरेट, गाजर, दो टेबलस्पून है कैप्सिकम, शिमला मिर्च, और दो टेबलस्पून है एकदम बारीक कटा हुआ टमाटर, सीड इसका निकाल लिया है, और एक टेबलस्पून है धनिया, हरा धनिया, और एक टेबलस्पून ही है बारीक कटा हुआ प्याज, और एक मैंने हरी मिर्च लिया है, आधा नींबू लिया है। अब यहाँ पे सब्जी जो है कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं, जो सब्जी पसंद हो वो डालें, जो नहीं है उसको स्किप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन सारी सब्जियों को उठा के एक साथ ही हम इसमें मिक्स कर देंगे। नींबू के रस को भी हम स्क्वीज़ कर लेंगे। ये जो एवोकाडो होता है ना, इसको निकालते हैं ना तो बस दो तीन मिनट के बाद ही ये काला पड़ना शुरू हो जाता है। तो काला ना पड़े उसको बचाने के लिए या तो एवोकाडो का सीड उसमें डाल के आप छोड़ सकते हो, उससे नहीं होता है, या तो नींबू का रस तुरंत आप इसमें डाल दो तो काला नहीं होता है। तो अराउंड एक टेबल स्पून जितना हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक जितना चाहिए, और 1/4 टीस्पून हम डाल देंगे ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर। इसको बढ़िया एकदम मिक्स कर लेना है एवोकाडो में। बढ़िया मिक्स हो गया है। इस स्टेज पे नमक टेस्ट करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमें ले लेना है ब्रेड। ब्रेड को हमें टोस्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे होल व्हीट ब्रेड लिया है, मैं यही यूज़ करती हूँ। आप कोई भी ब्रेड आप यूज़ कर सकते हैं। इसको हमें टोस्ट कैसे करना है, मैं जा रही हूँ टोस्टर में। टोस्ट करने बहुत आसान हो जाता है। अगर मैं टोस्टर है आपके पास, उसमें आप टोस्ट करेंगे तो आपका टाइम बहुत बचेगा। अगर मैं नहीं है टोस्टर तो आप तवे पे आराम से इसको सेक सकते हैं, बहुत बढ़िया सेक जाता है। तो तवे पे जब सेकेंगे ना तो पहले बटर लगा के फिर तवे पे हम सेकेंगे। और अगर मैं टोस्टर पे सेक रहे हैं तो हम बटर लगा के नहीं सेकेंगे, क्योंकि मेल्ट होके टोस्टर में पूरा गिर जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान देना है। तो चलो इसको हम सेक लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है टोस्टर, इसमें ब्रेड डाल देंगे, चार एक साथ में हो जाएगा, और हम इसको सेक लेंगे। यहाँ पे ब्रेड हमारा टोस्ट हो गया है, बस इसी तरह से हमें टोस्ट करना है। यहाँ पे इस तरह से हमें सेक लेना है ब्रेड। अब हमें क्या करना है, लेना है बटर। बटर इसके ऊपर लगाना है, आप हरी चटनी भी लगा सकते हैं और बटर भी जो आपको पसंद हो आप लगा सकते हैं। बटर में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, एकदम क्रीमी क्रीमी मुंह में लगता है। तो इसी तरह से हम लगा के रेडी कर लेंगे।
अब लेंगे एक ब्रेड, ब्रेड के ऊपर ये जो हमने बना के रखा है इसको हम डाल देंगे। अच्छा, ये कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। इस तरह से डाल के पूरा हम फैला देंगे इसमें। ये इस तरह से हमें डाल देना है। अब इसके बाद हमें करना क्या है, अगर मैं आपको सिर्फ ऐसे ही एक लेयर ही बनाना है तो आप ऐसे रखा हमने और इसके ऊपर से एक ब्रेड इस तरह से रखेंगे और हमारा सैंडविच रेडी हो जाएगा, मतलब इस तरह से। लेकिन मैं यहाँ लेयर बना रही हूँ, मैं तीन ब्रेड का लेयर बना रही हूँ, तो इसके ऊपर हम एक ब्रेड रखेंगे और इसके ऊपर भी ये हम रख देंगे। यहाँ पे भी एक थिक सा लेयर लगा दिया है। अब ये जो हमारा ब्रेड है इसको ऊपर से हम रख देंगे, हम इतना थिक बनाएंगे। अब इसको हमें क्या करना है, काटना है। अब लेंगे एक बढ़िया शार्प नाइफ और इसको काट लेंगे आराम से। काटने में इसको ना एकदम सावधानी से काटना, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करना, नहीं तो ये इधर उधर हो जाएगा इसका पीसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया काट लिया है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ये सैंडविच। एक सैंडविच खा लेंगे ना तो एकदम पेट भर जाएगा आपका। इस तरह से हम दूसरा भी बना लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कितना बढ़िया एवोकाडो का सैंडविच बनकर रेडी हो गया है। ये दो लोग आराम से इसको खा सकते हैं, एकदम बढ़िया पेट भर जाएगा। दो लोगों के लिए इनफ है ये सैंडविच। इस तरह से आप लोग भी बना करके एकदम क्विक और हेल्दी सा सैंडविच इंजॉय कर सकते हैं। इस सैंडविच का एक और फ़ायदा है, फटाफट आप 2 मिनट के अंदर सुबह ना, अगर मैं आपको ऑफिस या स्कूल कॉलेज जाना है, आप खुद से आप बना करके लंच बॉक्स में भी एकदम हेल्दी लंच आप इंजॉय कर सकते हैं। क्रीम चीज़ की सैंडविच अगर मैं आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, वो भी बहुत ईजी है। आई होप कि ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मैं अच्छा लगा तो कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक शेयर, जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।